हेलो फ्रेंड्स, यू टास्क एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का सेट नंबर 3 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन एक में है 22 मार्च 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 2 जनवरी 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 22 फरवरी 1913 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 19 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर होगा ऑप्शन डी, 19 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर टू, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए में है 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1917 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1921 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर थ्री, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1915 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1924 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर चार, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ऑप्शन ए में है 1908 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1910 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1911 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1912 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर चार का आंसर होगा ऑप्शन डी, 1912 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर फाइव, बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1911, ऑप्शन बी में है 1912, ऑप्शन सी में है 1858, ऑप्शन डी में है 1962। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1911। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रेस अधिनियम तथा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जुड़वा बहन कब कहा गया? ऑप्शन ए में है 1914, ऑप्शन बी में है 1912, ऑप्शन सी में है 1910, ऑप्शन डी में है 1908। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1910। क्वेश्चन नंबर सात, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए में है 1910, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1941। क्वेश्चन नंबर सात का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1913। क्वेश्चन नंबर एट, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1914, ऑप्शन बी में है 1918, ऑप्शन सी में है 1912, ऑप्शन डी में है 1921। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1914। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1918, ऑप्शन बी में है 1919, ऑप्शन सी में है 1915, ऑप्शन डी में है 1914। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1915। क्वेश्चन नंबर टेंथ, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी में है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी में है दोनों,
ऑप्शन डी में है नन। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा से संबंधित सेड्यूलर आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1905, ऑप्शन बी में है 1869, ऑप्शन सी में है 1911, ऑप्शन डी में है 1917। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन डी 1917। क्वेश्चन नंबर 12, 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी में है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास।